आपने स्विस बैंक के बारे में जरूर सुना होगा। स्विस बैंक को भारतीयों की काली कमाई का सेफ हाउस कहा जाता है। इस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन को लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे भारतीयों का स्विस बैंक से मोह भंग हो गया है। स्विस नेशनल बैंक यानी SNB ने अपने कुछ आंकड़े जारी किए। स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में भारतीयों की जमा रकम में 70% की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद भारतीयों का पैसा घटकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक पर आ गया है। इस रकम को भारतीय मुद्रा में देखें तो ये 9,771 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले 4 साल में सबसे कम है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि भारतीय स्विस बैंक से अपना पैसा निकालने लगे। जहां भारतीय अपने पैसों को सबसे सेफ समझते थे, वहां से भारतीयों का मोह क्यों भंग हो गया है। दरअसल गिरावट के कई कारण है, जिसमें बॉन्ड की कीमतों में कमी, सिक्योरिटीज और अलग अलग अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए रखे गए फंड्स में तेज गिरावट रही है। स्विस बैंक में भारतीय लोगों का कितना पैसा है, ये बात तो समय समय पर निकलकर बाहर आती है, लेकिन इन पैसों का मालिक कौन है, इस पर बैंक हमेशा चुप्पी साध लेता है। बैंक इस बात का खुलासा नहीं करता कि जिन लोगों ने या कंपनियों ने उनके यहाँ फंड में निवेश किया है, उनका नाम क्या है और किस वजह से निवेश किया है, जिसको लेकर स्विस बैंक पर हमेशा सवाल उठते रहे। जिस तरह स्विस बैंक से भारतीय खटाखट पैसा निकाल रहे हैं, ठीक उसी तरह से धड़ाधड़ भारतीय दुबई में बसने का प्लान बना रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उन करोड़पति लोगों का जिक्र है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश को अपना नया घर बनाना चाहते हैं। इसमें भारतीयों का जिक्र है। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मेन पॉइंट क्या है वो आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में चीन से सबसे ज्यादा 15,200 करोड़पति अपना देश छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर यूके है। यूनाइटेड किंगडम से 9,500 करोड़पति दूसरे देशों की ओर पलायन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर भारत है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करीब 4,300 भारतीय करोड़पति देश छोड़ सकते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स ने अपनी ये रिपोर्ट तैयार करते हुए उन लोगों की गिनती की है जिनके पास कम से कम $10,00,000 की संपत्ति है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर इस साल 4,300 भारतीय करोड़पति देश छोड़ते हैं तो ये किस देश को अपना घर बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक UAE और अमेरिका वो दो देश हैं जहां सबसे ज्यादा रईस जाकर बस रहे हैं। भारत के 4,300 करोड़पति लोगों का भी पहला ठिकाना UAE हो सकता है। वर्ष 2023 में भी सबसे ज्यादा 4,700 रईस UAE में ही बसे थे। अमेरिका कई सालों तक धनी लोगों की पहली पसंद बना रहा है, लेकिन अब UAE ने सुपर पावर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी है। अब अमेरिका की जगह ज्यादातर लोग UAE में बसने का प्लान कर रहे हैं। Z News।